तो डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो हिडन ऐप है वो ओपन हो चुका है, और जैसे हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा कि आप कैसे आपके किसी भी रियलमी के फोन में ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे किसी भी रियलमी के फोन में ऐप को छुपा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपके रियलमी के फोन में ऐप को छुपाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके फोन की जो सेटिंग का ऐप होता है उसे ओपन करना है। सेटिंग के ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि होगा प्राइवेसी का। तो आपको क्या करना है, ये जो प्राइवेसी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि होगा हाइड ऐप्स का। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। हाइड ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड को सेट कर देना है, जिससे कि अगर आपको ऐप लॉक लगाना है या फिर ऐप को हाइड करना है तो उसमें आसानी रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो है 00 लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, यूज पे क्लिक करना है, जिससे कि आपका जो ये होगा, फिर एक बार आपको लगा देना है प्राइवेसी पासवर्ड। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि टीचर्स ने ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप भूल जाओ आपके प्राइवेसी पासवर्ड को तो आप इससे रिसेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम कुछ भी लिख देते हैं, चलो अपना ही नाम लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली टिक कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइवेसी पासवर्ड सेट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हाइड ऐप्स, तो हाइड ऐप्स में क्या करना है, आपको जिस भी ऐप को छुपाना है उसको ओपन कर देना है, उसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि अगर हमें इंस्टाग्राम को छुपाना है तो हम सिंपली इंस्टाग्राम को टिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐप को हाइड करने के लिए पासवर्ड को सेट करना होगा, तो उसके लिए आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेट एक्सेस, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेस कोड, आपको एक्सेस कोड को सेट करना है। अब एक्सेस कोड को आप कैसे सेट करोगे, तो जो भी आपको कोड लगाना होगा 4 डिजिट का होना चाहिए, और 4 डिजिट का या फिर जितने भी डिजिट का कोड होगा उस कोड के पहले हैशटैग आना चाहिए और उसके बाद में हैशटैग आना चाहिए। तो सपोज यहाँ पर भी चलो हम 0 ही कर देते हैं, तो हैशटैग आपको पहले लगाना है। हैशटैग लगाने के बाद 0000 लगाना है, उसके बाद में फिर एक बार आपको हैशटैग लगाने देना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेस कोड। जैसे आप एक्सेस कोड लगाओगे आपको टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिलहाल के लिए ओके, अभी आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देख सकते हो आप यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम का ऐप था वो हट चुका है। अब अगर आपको हाइड ऐप को ओपन करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो डायलर होता है उसे ओपन करना है। डायलर को ओपन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सिंपली डायल कर देना है आपका वो वाला नंबर, जैसे कि हम डायल कर देंगे #0000 और ये वाला। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो हिडन ऐप है वो ओपन हो चुका है, और जैसे हम इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंस्टाग्राम का ऐप है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।